लोग घमंड कर रहे हैं कि 8 लोगों ने 1 लड़के को मारा। सोया ईमान अब नहीं जगता, इतना गिर चुका है इंसान कि ऊंचाइयों से डर नहीं लगता। कितना ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हो बट काला पानी की सजा काटने वाला वो एक स्वतंत्रता सेनानी तो है। दिस गाय इज हैविंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। और जब तुम लोग ट्विटर पे कीबोर्ड वॉरियर्स बन रहे हो ना, वो जामनगर में अपने प्राइवेट जेट पे बैठे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। कौन कट्टर हिंदू है, कौन एंटी हिंदू है, मुझे समझ में नहीं आता ये सर्टिफिकेट दे कौन रहा है और ले कौन रहा है। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम, दिस इज हार्दिक एंड यू आर वाचिंग द संडे शो, वो शो जहां हम करते हैं हफ्ते की देश की सारी बात थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। तो शुरू करें? या इन्हीं हरकतों के चक्कर में ना अपन को अवार्ड नहीं मिलते, सुधर जाओ यार। नो जैसा कि आपको पता है कि इसी हफ्ते राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम में बांटे गए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। द विनर्स आर रणबीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स को मिला डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, जया किशोरी को मिला बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज अवार्ड, आरजे रौनक को मिला मोस्ट क्रिएटिव क्रिएटर मेल अवार्ड, निश्चय मल्हान ऑल्सो नोन एज ट्रिगर्ड इंसान उनको मिला बेस्ट क्रिएटर इन गेमिंग कैटेगरी, अंकित भैयापुरिया बेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस, अपने टेक्निकल गुरु जी बेस्ट टेक क्रिएटर, कामिया जानी को मिला बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड एंड अवार्ड मिले। और सबके साथ मोदी जी ने मस्त बात की, आओ देखते हैं। मैं आपको पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्या क्यों सर? मे बी वो थोड़ा बिजी होगा, मे बी उसके पास टाइम नहीं होगा, मे बी वो प्रधानमंत्री है देश का। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह, चलिए मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। मोदी जी डिडंट इवन हेजिटेट। देखो विनर्स में कौन डिजर्विंग था कौन नॉट डिजर्विंग था वो आपकी मर्जी है, आप एज ऑडियंस उसको डिसाइड करो। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिसने अवार्ड दिए वो बिल्कुल डिजर्विंग था। मोदी जी से बेटर कोई इंसान नहीं हो सकता क्रिएटर अवार्ड देने के लिए, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं मोदी जी से बड़ा इन्फ्लुएंसर कोई नहीं है। जब जब कंटेंट अपलोड करते हैं सीधा ट्रेंडिंग पेज पर जाते हैं, हंगामा मच जाता है या तो पार्लियामेंट में या तो इंटरनेट पर। यार सबकी तरह मोदी जी भी क्रिएटर ही है, फर्क बस इतना है कि वो सब्सक्राइब की जगह वोट मांगते हैं। He does not ride the trend, he is the trend. Okay, thank you. खैर देखो अवार्ड तो सरकार ने दिए बट असली अवार्ड जनता देती है। आपके मुताबिक जितने भी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में #bestcreator लिखकर अपने फेवरेट क्रिएटर का नाम बताओ और ये भी बताओ कि क्यों आपको लगता है कि वो अवार्ड डिजर्व करता है। अपन को भी कुछ म्यूचुअल लर्निंग से नए सब्सक्राइबर नए कॉन्टेंट देखने का मौका मिले, है कि नहीं? पिंटू बताए चिंटू को, चिंटू बताए पिंटू को, और दोनों बताए पिंटी को। पिंटी नाम होता है वैसे लड़कियों का? तभी नहीं मिला मुझे अवार्ड। अच्छा बाय द वे मोदी जी अवार्ड नहीं दिया, शाउट आउट ही दे दो। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। खैर हफ्ते की एक और बड़ी हाईलाइट रही ये वाली मूवी, वीर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर पर बनी मूवी जिसमें उनका किरदार रणदीप हुडा ने निभाया है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। हिंद से प्यार करने वाले हम सब हिंदू हैं। माय फ्रेंड ही इज द मोस्ट डेंजरस मैन आई हैव एवर मेट। चलो कुछ प्रतिक्रियाएं देखते हैं। कार्तिक ने बोला गूज़बम्प्स ट्रेलर वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी कुड नॉट लर्न अबाउट हिम इन आवर चाइल्डहुड बुक्स, आवर हिस्ट्री बुक आर फुल ऑफ रॉन्ग चैप्टर्स, पैथेटिक एक्ट फ्रॉम द फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अप्रोक्सीमेट कहती है अनदर प्रोपेगेंडा मूवी इज कमिंग विद फुल लाइज एंड प्रोपेगेंडा, माफी वाला सीन दिखाया कि नहीं। विनायक धोत्रे कहते हैं वी वॉन्ट मोर स्टोरीज लाइक दिस ऑफ अ रियल फ्रीडम फाइटर्स, मेरा देश 47 भारत रत्न वीर सावरकर जी को प्रणाम, ही हेल्प्ड टू डेवलप सोल एंड प्राइड ऑफ मॉडर्न इंडिया। मिलन बोलते हैं कावड़ सावरकर प्रोपेगेंडा मूवी। अच्छा अगर आपको नहीं पता तो वीर सावरकर हमारे इतिहास के पन्नों में एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर है। इनके ऊपर दो टिप्पणियां दी जाती हैं और गलत नहीं होगा अगर आप उसको बीजेपी और नॉन बीजेपी सपोर्टर्स में डिवाइड करो तो। एक वर्ग इनको एक महान व्यक्ति वीर कहता है जिनके साथ कांग्रेस के इतिहासकारों ने नाइंसाफी की, और जो मौजूदा हुकूमत है वो इनका बहुत सम्मान करती है। अगर आपको सिंबोलिज्म के तौर पर बताऊं तो पहले ना बड़े बड़े जो हमारे लीडर्स होते थे जो पॉलिटिशियंस होते थे उनके पीछे जो फ्रीडम फाइटर थे उनमें गांधी नेहरू की फोटो देखी जाती थी, बट अगर अभी आप फोटो देखोगे विद दैट क्लासिकल पिक्चर ऑफ अमित शाह उसमें पीछे वीर सावरकर जी को भी देखा जाता है। अच्छा दूसरे वर्ग का मानना है कि ये कोई महान व्यक्ति नहीं थे, स्वतंत्रता सेनानी थे लेकिन अंग्रेजों को इन्होंने बहुत माफीनामे लिखे थे, और ये जो माफीनामे हैं इन्हीं पर सारा विवाद है। सावरकर को चढ़ाने के लिए कुछ लेफ्ट के लोग सॉरी वर्कर भी बोलते हैं। एंड जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा इसमें ओपिनियन काफी क्लियर है।
अगर आप मुझसे बोलोगे कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताओ, तो मेरे दिमाग में जो कल्पना बनती है उसमें आज भी टॉप पर गांधी, नेहरू और मेरे पर्सनल रीजंस की वजह से सबसे ऊपर अंबेडकर का नाम आता है। पर हाँ, सावरकर का मैं निरादर नहीं करता कभी, कितना ही कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हो, बट काला पानी की सजा काटने वाला वो एक स्वतंत्रता सेनानी तो है। आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को इस बात को नजरअंदाज मत करने देना। खैर, क्या प्रोपोगेंडा है क्या सच है ये तो मूवी आने के बाद पता चल ही जाएगा। जैसे कई सारी मूवीज आई हैं जिनमें से कुछ अच्छी थी, कुछ क्लियरली प्रोपोगेंडा मूवीज थी, ये मूवी भी जब आएगी तो भाई जनता जनार्दन है, सब बता देगी। आपका इस मामले में क्या कहना है, वीर सावरकर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है स्वतंत्रता सेनानी है, मिसअंडरस्टूड फिगर है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में #वीर सावरकर लिख के अपना ओपिनियन कॉमेंट कर सकते हो। एंड आपका जो भी ओपिनियन हो, अगेन फिर से याद दिलाता हूँ, स्वतंत्रता सेनानी फिर भी है। तो अगर आप डिसएग्री भी करते हो, अपनी भाषा और शब्दावली में डिसरिस्पेक्ट मत करना। अच्छा, जब ये सब चल रहा था तो इंटरनेट के दूसरे आंगन में एक और ही बवाल छेड़ा हुआ था। मैक्सलन और एलिवेश यादव, दो यूट्यूबर्स के बीच में आपस में लड़ाई हो गई, एक ने एक को मारा, फिर आठ ने एक को मारा, कुछ ऐसा सीन हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि फेक है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं, सही में गुद्दी सुझाई गई है। मारा नहीं, मतलब मार नहीं पाए। ओके, तो ये एलिवेश यादव वर्सेस मैक्सटन का जो मुद्दा है, ये अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। पहले मैंने इस पे कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैंने कहा स्वरूप इनका पर्सनल मुद्दा है, पर अभी ये काफी ज्यादा मैटर उठ चुका है। मैक्सटन ने इस पर FIR भी लॉन्च कर दी है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आके मारा जाता है, आठ लोग आके एक अपने से आधे साइज के एक व्यक्ति को मारते हैं और फिर बाद में स्टोरी डाल के बोलते हैं वर्क डन। विश्वास नहीं होता कि इस बात पे लोग घमंड कर रहे हैं कि आठ लोगों ने एक लड़के को मारा। मतलब एक के पास डेफिनेटली नंबर ज्यादा था, दूसरे में गट्स ज्यादा थे। बस शर्म छोड़ो, आई थिंक दैट इज टू मच टू एक्सपेक्ट एट दिस पॉइंट। पर ये कितनी घटिया बात है कि किसी के एक जोक से इतना ऑफेंड हो जाना कि मतलब होता ना कि ये बचकानी बातें हैं मार धाड़ करना, जब वही है कि हमारे देश की ये इस टाइम पे बदकिस्मती यही है कि ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई कर दिया जाता है, ऐसे लोगों के फैन आर्मीज हैं इस टाइम पे जो बस ग्लोरीफाइड गुंडे बने घूम रहे हैं। किसी व्यक्ति को मारना पीटना, आठ आठ लड़कों के साथ जा रहे हो यार, मतलब इट्स क्वाइट सैड। बाकी लोगों से कुछ नहीं कह सकता, बट आप अगर ऐसे लोगों के फैंस हैं तो आपको जेन्युइनली इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है कि भाई कर क्या रहा है तू। हमारे देश में और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में तुम आइडियलाइज कर सकते हो, ऐसे बच्चे हैं जो ओलंपियाड में अच्छा कर रहे हैं, जो आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, एक लड़का है प्रज्ञानंद जो चेस में रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नक्सलाइट एरिया से आके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। तुम ऐसे लोगों को आइडियलाइज कर रहे हो, ऐसे लोग क्या केंडू जनरेशन के सभापति, सोचने की जरूरत है आपको कि आप किसको अपना टाइम, किसको अपना फैन बेस और किसको अपना लाइक सब्सक्राइब देते हो। ये केंडू जनरेशन है। बट एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अग्री करते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। एक नई और अजीबो गरीब लीग ISPL का एक क्रिकेट मैच हुआ, खिलाड़ी 11 वर्सेस मास्टर्स 11, अक्षय कुमार की टीम वर्सेस सचिन तेंदुलकर की टीम। फिल्म जगत के कुछ लोग, कई सारे क्रिएटर्स, गौरव तनेजा वगैरह इसमें खेले, बट दो नेम जो हाईलाइट रहे वो हैं मुनावर फारूकी और एलविश यादव, और एज यू नो इट एंटी हिंदू कट्टर हिंदू। ग्रेट शॉट बाय मुनावर, बट माइट, ओह दैट्स अ सिक्स रन। क्या मजबूरी थी साहब आपकी? अब ये एलविश और मुनावर का बिल्कुल ध्रुव और अभी ये न्यू वाला सीन है। तो जब ये इमेज वायरल हुई तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया। कमेंट पर, युवराज लिसन बट केयरफुली व्हाट दिस एंटी हिंदू एलविश यादव सेज अबाउट वुमेन, दिस पर्सन वाज चीटिंग पीपल बाय टेकिंग हेल्प ऑफ रिलीजन, ही इज एंटी हिंदू नाउ। विकास यादव लिखते हैं, वी स्टैंड बाय एलविश, प्राउड हिंदू एलविश। ऐसे और भी कई सारे ओपिनियन सामने आए, स्क्रीन पर सारे डाल देता हूं, सबको पढ़ने का टाइम नहीं अपने पास। बट ऑल थिंग्स असाइड, पहली बात तो ये जो हिंदू होने ना होने का ठेका है, यही गलत है। This guy is having the taste of his own medicine. Irony हो रही है जी, बहुत भयंकर। आपने कभी रुक के सोचा है आजकल अजीब ही ट्रेंड चल गया है, कौन कट्टर हिंदू है, कौन एंटी हिंदू है? मुझे समझ में नहीं आता ये सर्टिफिकेट दे कौन रहा है और ले कौन रहा है। मतलब अजीब ही चल रखा है, एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, एंटी ये, एंटी वो, इतनी एंटी कौन से अंकल लेके आ रहे हैं? देखो भाई, फॉर द सेक ऑफ सेनिटी एक बात सुन लो मेरी, कई बार बोला है फिर से बोल रहा हूं, ये हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे सिर्फ गरीब लोगों को विकास और नौकरी जैसे सवालों से भटकाने के लिए बनते हैं। ये तुम गरीबों में चलता है, ऊपर लेवल पर रिलीजन नहीं स्टेटस देखा जाता है। तुम लोग इन दोनों के पीछे लड़ रहे हो, बट सोच के देखो, जिस बिग बॉस को जीत के ये दोनों आए उसको सलमान खान होस्ट करता है, और जिस जियो सिनेमा में तुमने देखा है उसका मालिक मुकेश अंबानी है। और जब तुम लोग ट्विटर पे कीबोर्ड वॉरियर्स बन रहे हो ना, वो जामनगर में अपने प्राइवेट जेट पे बैठे हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। सुन लो सच, ये कट्टर हिंदू, सच्चा मुसलमान और टू अपील टू जेन जी ट्रेड्स इन रायता, तुम्हारी सिर्फ एक आइडेंटिटी, अगले महीने तक समझ जाओगे, वोट बैंक। मैटर बस ये करता है कि बड़ा वोट बैंक हो या छोटा वोट बैंक हो, और यही है असली सिस्टम। और अगर अब भी नहीं समझे तो कोई बात नहीं, बिल्कुल फुल पावर जपते रहो तुम धर्म का जाप। जी हां है आप। खैर ये सब तो चलता रहेगा, कंट्रोवर्सी आएंगी कंट्रोवर्सी जाएंगी, पर ये देश चलते रहना चाहिए। शुरू करते हैं इस हफ्ते की न्यूज ऑफ द वीक।
इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल खबर आई दिल्ली के इंदरलोक इलाके से। एक वीडियो वायरल हुई जहां देखा जा सकता है कि कुछ लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे और उसी बीच एक पुलिस वाला आता है, उनको हटाता है और एक नमाजी जो सजदा कर रहा था उसको पीछे से लात मार देता है। नाउ आई होप इसको बताने का कोई और सटल, कोई शालीन तरीका होता, बट इट इज व्हाट इट इज। इस पर काफी लोगों ने आवाज उठाई कि भाई ये क्या हरकत है कि जब एक इंसान जब प्रे कर रहा था, जब वो सजदे में था, तब आप एक पुलिस वाला होकर आकर इतनी बेहूदी हरकत करते हो। हालांकि जब ये वीडियो वायरल हुई तो सिचुएशन बिगड़ने लगी और तुरंत बाद पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया, बट ये काफी चौंका देने वाली तो कुछ नहीं, नथिंग सरप्राइजेस एनीमोर, शर्म की बात है। नाउ आई नो आप में से कई लोग आके बोलेंगे तो हाँ क्या करें, बाकी रोड कोई नमाज पढ़ने की जगह है, वहां पर ट्रैफिक जैम लग जाता, तो क्या आई नो, इसलिए मैं उस बात पर ना आपसे डिबेट करूंगा ना आर्ग्यूमेंट। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? अगर आप मान के भी चलो कि वो गलत है, बट फिर भी आपको खुद से सवाल पूछना जरूरी है कि क्या एक पुलिसकर्मी, एक सुरक्षा कर्मी द्वारा ये करना क्या सही था? उसने ये क्यों किया? क्या सोच के किया? इस हरकत से पुलिस की छवि कितनी खराब होगी? और जब ये वीडियो बाहर देश में कहीं सर्कुलेट होगा, जब बोलेंगे कि इंडिया की वीडियो है जहां इसे ट्रीट किया जाता है, तो देश की छवि कितनी खराब होगी? ये कुछ सवाल है जो आपको खुद से पूछने की जरूरत है, मीडिया वैसे भी नहीं पूछेगा। ये वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट था, सिर्फ इसी पुलिस वाले तक सीमित है? लेकिन क्या अब एक देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब ऐसी घटनाएं और देखने को मिलती है और नफरत जो है और चारों तरफ फैल चुकी है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग वायरल वीडियो लिखकर एक बार जरूर बताना कि क्या लगता है आपको आजकल के देश में जो माहौल चल रहा है उसके बारे में। अगली बड़ी खबर है कर्नाटका के बेंगलुरु से, जहां पर पानी की दिक्कत, बेंगलोर में एक सीवियर वाटर क्राइसिस आ चुका है। वहां पर सिर्फ कमर्शियली नहीं बल्कि डोमेस्टिक पानी, पीने के पानी की भी किल्लत आ चुकी है। जगह जगह से रिपोर्ट आ रही है जहां 800, 1500, 2000 तक के पानी के टैंकर बिक रहे हैं। एंड अगर ये क्राइसिस ऐसे ही बढ़ता रहा तो ट्रस्ट मी, आईपीएल में चिन्ना स्वामी की पिच फैंस के आंसुओं से सींची जाएगी। मुझे क्यों तोड़ा? ना जोक सपाटी समझना जरूरी है कि ये सिचुएशन आई कैसे। इसके बेसिकली दो रीजन है। पहला, कर्नाटका में इस साल सूखा पड़ा है, बारिश इतनी अच्छी नहीं आई। एंड दूसरा, कर्नाटका ओवर डिपेंडेंस ऑन कावेरी रिवर वाटर। कावेरी रिवर वाटर ये जो एक इशू है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में बहुत सदियों से चला आ रहा है। एक ही एक पेरिनियल नदी है जिससे दोनों स्टेट्स अपना अपना पानी लेते हैं। कर्नाटका कुछ पानी रखता है जो वाटर ट्रिब्यूनल है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी पानी तमिलनाडु को भेजना पड़ता है। लेकिन इस साल चूंकि सूखा पड़ चुका है इसलिए कर्नाटका के पास अपना शेयर ऑफ पानी नहीं है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें जो रिजर्वॉयर्स हैं वो इतने खाली हैं कि भाई बेंगलोर में पीने को पानी नहीं है। काफी टाइम से बता रहे थे ये सिचुएशन इनएविटेबली आनी ही थी। इनफैक्ट इसी मुद्दे को लेकर मैसूरू में 100 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था। हम लोग संडे भारत जर्नी में वहां पे जाके हमने उसको कवर किया। बहुत ही जल्दी इसकी एक पूरी लॉन्ग फॉर्म वीडियो आएगी, बट फिलहाल आप समझ लीजिए कि वहां पर बहुत बड़ा मुद्दा है जो बेंगलोर में इस टाइम, जो कर्नाटका और बेंगलोर में वाटर क्राइसिस चल रहा है। वहां के किसान यूनियन है कर्नाटका रेत संगठन, उनके एक मेंबर से हमने बात की, उनकी कहानी सुनिए। वी डिड नॉट गेट मानसून एट ऑल दिस सीजन। Then out of 236 taluks of Karnataka, 223 taluks are declared as drought prone. Okay. Among 223 drought prone. But you still have to give that water to Tamil Nadu. Yes, that is the irony. That is how our Mandya friends and Mysore friends are sitting on dharna. सही बात है। अगर बैंगलोर को, कर्नाटका को पानी चाहिए तो ये जो कावेरी रिवर वाटर इशू है ये सिर्फ एक इंटरस्टेट इशू नहीं रह गया, इस पर पूरे देश को ध्यान देने की जरूरत है। खैर, अगर आप कर्नाटका से हैं, बैंगलोर से हैं, इस मामले में आपका क्या सोचना है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग वाटर क्राइसिस लिखकर वहां के हालत जरूर बताइएगा। अगली बड़ी खबर आई लद्दाख से, जहां पर 6th शेड्यूल की मांग को लेकर एक बार दोबारा से प्रोटेस्ट चालू हो चुके हैं। अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले वहां पर प्रोटेस्ट हुए थे जहां पर लद्दाखीज ने वहां पर 6th शेड्यूल की मांग की थी, फिर गवर्नमेंट से कुछ टॉक्स चालू हुए थे, बट अब उसका कुछ नतीजा नहीं निकला है। सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गए और हाल ही में लद्दाख में भी एक दिन का शटडाउन हुआ था। अभी 6th शेड्यूल की मांग बेसिकली है क्या कि 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बाइफर्केट हुआ था तब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर घोषित किया था और वो चाह रहे हैं कि उनको एक लेजिस्लेचर दिया जाए या तो उनको 6th शेड्यूल में डाला जाए। ये छठी अनुसूची जो है 6th शेड्यूल, ये बेसिकली पावर देता है कि वहां पर वो स्टेट अपना एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बना सकता है, लोकल बॉडीज इलेक्ट कर सकते हैं जो वहां का एग्रीकल्चर, वहां के मैरिज लॉस, जो वहां के लोकल इश्यूज हैं, ट्राइबल कल्चर है, इस सब को वो इंटरनली मैनेज कर पाए, तो ये पूरी लड़ाई चल रही है। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू नो इट फ्रॉम। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ बुद्धिजीवियों ने इंटरनेट पर बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे, अब वो जाके एक बार पढ़ सकते हैं। कुछ के लिंक्स मैं कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं। अगली बड़ी न्यूज है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड से। कुछ ही टाइम पहले ट्विटर पर आकर हमारे अनुपम मित्तल भाई साहब हाय हाय कर रहे थे, और वो इसीलिए क्योंकि गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स हैं, कुकू एफएम, शादी.com, 99 एकर्स, इन ऐप्स को डीलिस्ट कर दिया था।
बाद में ये सारे कैप्स कोर्ट्स में भी गए थे, उन्होंने भी मना कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ पे मसला ये हुआ था कि गूगल जो होता है उसका एक प्ले स्टोर है जहां से आप सारे ऐप्स डाउनलोड करते हो ना, एंड्रॉइड वाले यूजर्स जो होते हैं, तो प्ले स्टोर पे जो भी ऐप्स लिस्टेड होते हैं उन ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हो और आप कुछ इन ऐप परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो गूगल उस पूरे ट्रांजैक्शन का कुछ हिस्सा चार्ज करता है क्योंकि आप उसके प्लेटफॉर्म पर ही ये पूरा अपना बिजनेस चला रहे हो। मतलब गूगल बेसिकली एक प्लेटफॉर्म फी चार्ज करता है जो ये सारे ऐप्स जो है वो पे नहीं कर रहे थे, इसलिए गूगल ने इन सारे ऐप्स को प्ले स्टोर से ही अनइंस्टॉल कर दिया। बाद में उन्होंने खूब हाई हल्ला मचाया, अल्टीमेटली इंडिया के आईटी मिनिस्टर को बीच में आके गूगल से रिक्वेस्ट करनी पड़ी और टेम्परेरीली अब इन ऐप्स को वापस गूगल प्ले स्टोर पर डाल दिया है। अनुपम मित्तल ने इसको डिजिटल लगान कहा था। इसके दो पहलू सामने आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई सही बात है कि ये लोग जो है जो फॉरन कंपनियां इंडियन कंपनीज को बुली करती है क्योंकि इनका भाई पोस्ट प्लेटफॉर्म है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब क्या भाई, अब गूगल भी तो वहां पर बिजनेस करने ही आया है, उसको तुम पैसे नहीं दोगे तो वो तो अपने एक्शन ले गई। आपका इस मामले में क्या कहना है, आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में #Google लिखकर अपना ओपिनियन कॉमेंट कर सकते हो, आईटी वाले हो तो जरूर बताना। अगली खबर है जॉब मार्केट को लेकर। लिंक्डइन ने हाल ही में निकाली है वर्कफोर्स लर्निंग रिपोर्ट, जिसमें लिंक्डइन आप तो आप जानते ही हो कि भाई वहां पे भाई सब अपने सीवी भी डालते हैं, अपने बारे में बहुत शूशाबाजी करते हैं, कुछ लोग नौकरी लेते हैं, कुछ लोग नौकरी देते हैं, और कुछ लोग तो आजकल उसको मैट्रिमनी साइट भी बनाए बैठे हैं। भाई मजाक नहीं कर रहा, लोग लिंक्डइन से लड़कियां बटा रहे हैं। बट एनीवे, मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी। लिंक्डइन की रिपोर्ट जॉब मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद आए शिफ्ट के बारे में बात करती है। कई सारे पॉइंट्स हैं, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, करियर प्रोग्रेशन, फलाना ढिमकाना, ये सारे पॉइंट्स आपको इस रिपोर्ट में यहाँ लगा दूंगा, पढ़ लेना, आराम से मिल जाएंगे। कहने का मतलब बेसिकली है कि AI की जरूरत बढ़ रही है, और अभी कोई सब चिंता मत करो, ब्रांड प्लग नहीं करूंगा, थोड़ी देर में करूंगा, बट जान लो ऐसे सर्चेस जिसमें AI, ChatGPT मेंशन्ड हो, ये 21 गुना ज्यादा बढ़े हैं, और ज्यादातर कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को रीस्केल करने का भी सोच रही है। तो आप कैसे भी हो यार, मैं हमेशा से वही कहता हूं कि AI थोड़ा बहुत यूज करना सीख लो, फायदे में ही रहोगे। अगर आप एक बिजनेस चलाते हैं तो एम्प्लॉइज को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट बिजनेस को मैनेज करना आसान हो गया है। अगर आप अपने बिजनेस में वेबसाइट, सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंटरी इस सब में स्ट्रगल करते हैं तो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है उडू। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उडू से कैसे आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं, बट जो आपको बताना रह गया कि इसका जो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है वो आसान है, इजी है, एफिशिएंट है और कॉस्ट इफेक्टिव है। और जो भी प्रॉब्लम्स मैंने अभी अभी आपको गिनाई, वेबसाइट, सेल्स, इन्वेंटरी, मार्केटिंग, इस सब को लेकर इसमें ऐप्स अवेलेबल है। उडू आपकी सारी बिजनेस प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और सबसे बढ़िया बात है कि जो आपका पहला ऐप होगा वो लाइफ टाइम फ्री रहेगा, इंक्लूडिंग अनलिमिटेड होस्टिंग। इनफैक्ट जब अपना पहला इनवॉइस जनरेट भी कर रहे हो तो उसका भी स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस मिलता है। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते हैं ना, एप्लीकेशन कैसे सेटअप करना है, इनवॉइस कैसे डिजाइन करना है, फर्स्ट इनवॉइस कैसे जनरेट करना है, एंड बैंक अकाउंट कैसे सेटअप करना है, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। एक बार सब कुछ सेटअप हो जाता है, आप आसानी से अपना इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, उसको मेल पे भेज सकते हो, और फिर भी कोई कसर रह जाती है तो अपना पेमेंट पोर्टल भी अटैच कर सकते हो। इसकी सबसे बढ़िया बात है कि आपके बिजनेस की जो इनवॉइसिंग आसान बनाता है, और ये भी आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन से पेमेंट आ गए, कौन से बचे हुए हैं, किसे आपको ट्रैक करना है। एक बार उडू ट्राई करो, फिर पैसा छापने पे आप पूरा ध्यान लगाओ, पैसा मैनेज करना ये आप उडू पे छोड़ दो। और अगर आप वेट नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उडू का लिंक डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, हम सब देख रहे हैं कि AI जो है ऐसा नहीं है कि अब वो जॉब खाएगा, जॉब खाने, वो ऑलरेडी जॉब खा रहा है। कई सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो ऑटोमेट हो चुकी हैं, कई सारी ऑटोमेट होने जा रही हैं, बट कई लोग AI का यूज करके जॉब जनरेट भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, AI हमारी दुनिया को कैसे चेंज करेगा? आप नीचे कमेंट सेक्शन में #AI लिखकर अपना ओपिनियन कमेंट कर सकते हो। चलो एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताता हूं। इंडिया में लेपर्ड्स की तादाद 1% से बढ़ गई है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने लेपर्ड की जनसंख्या है उसको लेकर स्टेटस ऑफ लेपर्ड रिपोर्ट निकाली है, जिसमें बताया कि देश में कुल मिला के कितने लेपर्ड्स हैं। लेपर्ड समझते हो ना, तेंदुआ, शेर नहीं, वो लायन को कहते हैं, और ये शेर नहीं होता, ये बाघ होता है। कुछ लोगों को डिफरेंस समझाना पड़ता है, वरना वो चीता को भी शेर बोलते हैं। इस रिपोर्ट में बताया कि इस टाइम पर देश में लगभग 13,874 लेपर्ड की तादाद है, जो ओवरऑल पिछले कुछ सालों के मुकाबले सेम ही रही है। हालांकि एक पैटर्न ये देखा गया है कि शिवालिक और गंगेटिक रीजन में ये जो लेपर्ड की तादाद है ये थोड़ी कम हुई है, और जो सेंट्रल इंडिया है और जो ईस्टर्न घाट्स में इनमें थोड़ी सी बढ़ी है। अब लेपर्ड एक ऐसा जानवर है जो, क्योंकि हमारा इंडिया है, इसका नेशनल हमारा जो एनिमल है वो टाइगर है, तो जो टाइगर की मेजेस्टी है उसमें लेपर्ड थोड़ा अंडररेट हो जाता है, बट मुझे तो बहुत खूबसूरत जानवर लगता है। और जैसे हाल ही में हमने टाइगर कंजर्वेशन में अच्छा काम किया है, लेपर्ड को भी कंजर्व करने की जरूरत है। खैर, ये जो पुलिस वाले भैया का मसला हुआ था, क्या हो अगर आपको मैं बताऊं कि ये इन्होंने किया नहीं, इनसे करवाया गया है। बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, टाइप अगली न्यूज हमारी है न्यूज चैनल्स को लेकर। NBDSA, न्यूज ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, हमारी देश की एक संस्था है जो टीवी पर जो भी न्यूज आ रही है उसके स्टैंडर्ड और उसके एथिक्स पर ध्यान रखती है।
बहुत अच्छा काम किया है सर आप लोगों ने 6-7 सालों में. बट एनीवे मूविंग अहेड, तीन ऐसे न्यूज चैनल हैं, न्यूज 18, आज तक और टाइम्स नाउ नवभारत. खैर, एनबीडीएसए ने इन तीनों चैनल के कुछ शोज को टेक डाउन यानी कि डिलीट करने के निर्देश दिए. आरोप लगाया है कि ये शोज कम्युनल डिसहार्मनी यानी कि सांप्रदायिकता फैला रहे और इन चैनल्स के मालिकों के नौकरों के पॉकेट मनी जितनी कुछ फाइन भी लगाया है. और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कुछ सालों में कई बार इन न्यूज चैनल्स के नफरत भरे न्यूज को लेकर एनबीडीएसए कोर्ट संज्ञान लेता रहा है और उनको कहा कहता रहा है कि आप अपना थोड़ा भाई देखो क्या बोल रहे हो, क्या आप न्यूज दिखा रहे हो, क्या असर पड़ रहा है, फाइन लगा लो, टेक डाउन. ऐसा होता है. एंड पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है देश की इस टाइम पे सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि हर रोज कोट पेंट पहने एसी कार में कई लोग दफ्तर जाते हैं, नेशनल टीवी पर जहर फैलाते हैं और अपने आप को मीडिया से बोलते हैं. ये देश की सबसे बड़ी त्रासदी है इस टाइम पे. खाओ मां कसम, मां कसम. कई सारे लोग आजकल आप में से ऐसे भी दिखते हैं जो कहते हैं सार्थक भाई हमने तो न्यूज देखना ही छोड़ दिया क्योंकि इतनी गंद फैल चुकी थी. आप में से कई सारे लोग होंगे जिनके घर में आजकल न्यूज नहीं चलता है, शायद यूट्यूब पे शिफ्ट हो गए या आपके घर में न्यूज देखी जाती है. बट आपको क्या लगता है कि हमारा जो इंडियन मीडिया है ये कैसा परफॉर्म कर रहा है? आपको क्या लगता है कि ये डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है क्या अपना जॉब ठीक से निभा पा रहा है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कौन सा एंकर आपको अच्छा लगता है, खराब लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में #IndianMedia लिखकर अपना ओपिनियन बताइए. और जनाब क्या चल रहा है? एक और वीडियो वायरल हुआ महाराष्ट्र से, जहां पर एक घर में एक बच्चा था और तेंदुआ वहां घुस गया तो बच्चे ने तेंदुए को ही पकड़ लिया. टॉक अबाउट टर्निंग टेबल्स. मेरे को कोई शौक नहीं है यहाँ पर फ्लेक्स करने का, सच बोल रहा हूँ कि अगर तेंदुआ मेरे घर में ऐसे पड़ोसन की तरह घुसा चला है ना, लेपर्ड अटैक से पहले हार्ट अटैक से मरूं मैं. और ये मालेगांव का चिंटू कितने आराम से बाहर निकला और गेट बंद कर दिया इसने. सब वीडियो के रिप्लाई में कह रहे हैं कि बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड, भाई ये तो लकी है, रिफ्लेक्स अच्छे हैं. भाई सुनो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, लक, रिफ्लेक्स ठीक है, ऐसा कांड करने के लिए एक और चीज चाहिए, गर्दा. एक फोटो बड़ी वायरल हुई इंटरनेट पर जहां पर कुछ यूजर्स ने बताया कि पार्ले जी ने एक नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, डार्क पार्ले जी. हाँ, चॉकलेट फ्लेवर का पार्ले जी बिस्कुट. यू फील ओल्ड येट? खाओ मां कसम. नाउ पार्ले जी इज डार्क टू. ह्यूमर के साथ साथ पार्ले जी भी डार्क हो गया. मी आफ्टर वॉचिंग डार्क पार्ले जी एग्जिस्ट. अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा हमें फंसाने के लिए. ये उन लोगों की साजिश है ताकि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो लोग हमें रंगे हाथ पकड़ें. वो कार पार्ले जी वाली कन्या गोरी ही है, रेसिज्म के जाल में मत आना दोस्तों. पैसे लिखते हैं पार्ले जी, हु वाज अ जीनियस इज हैविंग अ डार्क फ्यूचर एंड यू आर थिंकिंग योर फ्यूचर विल बी ब्राइट. रियलिटी चेक क्यों दे रहा है भाई? मी आफ्टर वॉचिंग डार्क पार्ले जी. देखो मुझे नहीं पता कि ये न्यूज सच है या नहीं, डियर पार्ले प्लीज कन्फर्म, बट आई हैव मिक्स फीलिंग्स अबाउट दिस. मतलब चाय में डूबे हुए पार्ले जी का टेस्ट है मेरे मुंह में, बट पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि चॉकलेट वाला पार्ले जी भी टेस्टी होगा. आपको क्या लगता है, आपके बचपन का प्यार ओजी बिस्किट पार्ले जी चॉकलेट फ्लेवर में आएगा तो क्या आप खा पाओगे? नीचे कमेंट सेक्शन में #ParleJi लिख के बताओ जरा. एक और बड़ी वीडियो वायरल हुई हरियाणा से. आप जानते हो कि आजकल जो है एग्जाम में चीटिंग बहुत ज्यादा चलती है, ऐसे ही में हरियाणा में एग्जाम्स हो रहे थे और उसमें ये वाली वीडियो वायरल हुई जहां बच्चे छत पे चढ़ चढ़ के चीटिंग की चिट्स ऐसे थे वो अंदर पास कर रहे थे. एक बार देखो. कैसे छत पे चढ़े जा रहे हैं रस्सी से, ऐसे तो जेल की कैदी नहीं भागते यार. इसी बात पे अर्ज किया है, थोड़ा ढोलक बजाना. सोया ईमान अब नहीं जगता, सोया ईमान अब नहीं जगता, इतना गिर चुका है इंसान कि ऊंचाइयों से डर नहीं लगता. अगर मैं शायर बना ना तो मेरा एक अलियास नेम होगा संडेश्वर. चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की अजीब गरीब हैरत अंगेज नॉनसेंस न्यूज. इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स वी हैव एमपी की जबलपुर यूनिवर्सिटी की न्यूज. स्टूडेंट्स यहां पर आरोप लगाया कि यहां पर एमएससी कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होना था, स्केड्यूल डन हो चुका था, इनफैक्ट एडमिट कार्ड भी बच्चों के छप चुके थे, लेकिन जब अभ्यर्थी परीक्षार्थी बनकर पहुंचे तो पता चला कि पेपर नहीं है. नहीं है मतलब पेपर है ही नहीं. अपेरेंटली यूनिवर्सिटी वालों ने बच्चों को यह बताया कि एडमिट कार्ड तो छप गए थे बट क्वेश्चन पेपर नहीं छप पाए. क्या बोला तूने? हाँ, ये थी कुछ हेडलाइन. बच्चे एग्जाम देना नहीं भूलते, ये लोग करवाना भूल गए. स्टूडेंट्स असाइनमेंट देना भूल गए, ये है आम जिंदगी. कॉलेज एग्जाम कराना भूल गया, ये है मेंटल जिंदगी. बिहार यूनिवर्सिटी, यू गॉट कॉम्पिटिशन ब्रो. एक और मस्त नॉनसेंस न्यूज आई हमारे एयरपोर्ट से.
सहार पुलिस ने एक बंदे को अरेस्ट किया क्योंकि वो एक ऑन बोर्ड इंडिगो फ्लाइट में जो आसमान की ऊंचाइयों पर थी बीड़ी पी रहा था। और जब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और पूछा कि क्या भैया तुम बीड़ी क्यों पी रहे थे जबकि निषेध है इसके, तो बोला नहीं नहीं सर प्लेन में तो बता रहे थे कि सिगरेट पीना अलाउड नहीं है, बीड़ी तो पी सकते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अगली नॉनसेंस न्यूज है हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा से। पति पत्नी बीच दंपत्ति की खबर है। तुम्हारा भाई बड़ी रिस्क पे चुगली कर रहा है। यहां पर एक पत्नी अपने पति से तलाक लेने पहुंच गई क्योंकि देवी ने 10 रुपए की लिपस्टिक मंगाई थी और ये पापी आदमी 30 रुपए की लिपस्टिक लेके आ गया। इस बात पर तलाक लेने पहुंच गई मोहतरमा की, ऐसे थोड़ी घर चलता है, फालतू के खर्चे कर दोगे तुम। यस, नेशनल न्यूज इंडिया 2024। बट भाई इन माय पर्सनल ओपिनियन, गोल्ड डिगर के जमाने में ये औरत गोल्ड माइन है। इसको इस चीज से तकलीफ है कि इसका पति ज्यादा खर्चा क्यों कर रहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। एंड एज अ गाय इन पतीज डिफेंस, उस बेचारे को घंटा कुछ नहीं पता होगा कि लिपस्टिक 10 रुपए की थी या 30 रुपए की। वो गया, उसने उठाई, दुकानदार ने पैसे मांगे, उसने दिए, उसके लिए ट्रांजैक्शन खत्म। गर्ल्स आई एम स्पीकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर मर्द जात, हम लोग मेकअप के मामले में इतने पीछे हैं ना कि आप लोग हमें आईलाइनर लाने को बोलोगे ना तो हम लोग बोलेंगे दुकान पे पतली लिपस्टिक दे दो भाई साहब। और बेचारे इस भाई को 20 रुपए ज्यादा खर्च करने की सजा दी जा रही है। कलियुग है, घोर कलियुग। ओके, टाइम टू डिसाइड पिछले हफ्ते से कौन थे वो टॉप कमेंट्स जिनको मिलेगा 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन। लेट्स गो। करण सिंह बोलते हैं, सार्थक भाई पर्सनल अटैक क्यों कर रहे हैं, मैं तो आरसीबी को जिताता हूं और विराट भाई के साथ आईपीएल ट्रॉफी उठाई जाए इसके लिए प्लान बनाता हूं और उसमें सरप्राइज एंट्री एबीडी और गेल भी है। तुम अपनी बॉलिंग लाइन अब सुधारो मेरे भाई, एबीडी गेल वॉटसन विराट कोहली सब ठीक, बॉलिंग सुधारो। मैं खुद अचिन्ना स्वामी में आरसीबी का मैच देख के आया हूँ एक बार। बैटिंग में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लें, बाद में जब बॉलर छक्के खाना शुरू करते हैं ना, स्टेडियम में छक्के छूट जाते हैं। खुशी भारती ने एक रैंडम कमेंट किया है विद हैशटैग संडे विचार, जो आप भी कर सकते हैं। अगर सार्थक भाई ने टॉप 5 कमेंट्स में फीचर कर दिया तो पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगी, अब तो क्लास टॉप करना हो गया सिलेक्शन अपना। हंग्री लर्नर 9110, आई एम सब्सक्राइबर ऑफ ध्रुव अभी एंड न्यू। सार्थक भाई श्याम शर्मा शो, आई लव टू सी राइट एंड लेफ्ट विंग क्लैश, आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट वे। मैं तो बिल्कुल क्लियरली बोलता हूँ, तुम ध्रुव राठी भी देखो, तुम अभी एंड न्यू श्याम शर्मा, तुम जिसको देखना उसको देखो, तुम सबको देखो अगर तुम्हें कोई टॉपिक, वही ना कि तुम सुधीर चौधरी भी देखो, तुम रविश कुमार भी देखो। यू एज एन इंडिविजुअल यू आर नॉट इंक्लाइन टू एनी आइडियोलॉजीज, तुम सब कुछ देखो है ना, और सबको देख के ना वो बस नॉलेज ले लो सबके बाद में, फिर जो ओपिनियन होता है ना कोई इतना नहीं है कि तुम एक यूट्यूबर या एक न्यूज चैनल को देख के इजीली टो अवे हो जाओगे। वो एक सिमिलर आइडियोलॉजी बार बार फॉलो करते रहोगे तो हाँ ऑब्वियसली चांसेस हैं उसके, बट अगर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव फॉलो करते रहोगे ना आपको आसानी होगी अपना पर्सपेक्टिव बनाने में। कैप्टन मोहसिन लिखते हैं, साधु भाई माना नोट किया है संदेश शो में हीरो जैसे दिखते हो लेकिन संडे भारत में आप देवदास जेस से दिखते हो। यार भैया अभी तो दाढ़ी बाल कटवा लिए, वरना जब जाते हैं तो कुछ पता नहीं रहता कि कब क्या खा रहे हैं, कब नहाने को मिल रहा है, कब कहाँ सोने को मिल रहा है, बस ऐसे मुंह उठा के जैसा जो बन पड़े चले जाते हैं माइक लेके, तो उस पे भाई थोड़ा सा कितना कट मी सम स्लैक। नवीन चौधरी बोलते हैं, भैया आपकी वीडियो हमारे स्कूल में चलाई गई थी और हमारे सर ने भी बोला है आपकी वीडियो देखने के लिए संडे विचार। थैंक यू भैया नवीन चौधरी 07, थैंक्स यू एंड योर टीचर। बहुत ज़रूरी है ऐसे टीचर मिलना जो आपको सिर्फ पढ़ाई के अलावा, किताबी ज्ञान के अलावा, जो बाहर की दुनिया की चीज़ें भी बताते हैं, और मैं शायद वही चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करता हूँ और वो टीचर उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं उनको बहुत शुक्रगुजार हूँ उस बात के लिए। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप 5 कमेंट्स जिन्हें मिलता है 1 महीने का फ्री संडे सभा का सब्सक्रिप्शन। हमारा न्यूज़लेटर डिलीवर डायरेक्टली टू योर व्हाट्सएप पर, बहुत हेल्पफुल होता है लोगों को जो इतना न्यूज़ फॉलो नहीं करते। आपने अभी हाल ही में सुना कि कितनी खराब न्यूज़ की हालत हो गई और आप उन्हीं में से हैं, आपको सिर्फ बेसिक न्यूज़ चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, आप पढ़ लो, चाहे हफ्ते का इकलौता अखबार समझ सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप ये वाला QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं और आप संडे सभा के मेंबर बन सकते हैं इन लेस देन 150 रुपीज अ मंथ। इस हफ्ते की पॉजिटिव स्टोरी है एक सर्जिकल एक्सीलेंस। अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहे हैं तो आपने ये वाली फोटो जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो इसके बारे में बता दूं, ये भाई साहब एक पेंटर हैं और कुछ सालों पहले एक दुर्घटना पे इन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए थे और ये स्पेशली एबल्ड हो गए थे, पर इस हफ्ते दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के कुछ एक्सीलेंट डॉक्टर्स ने इनके हाथ सर्जरी के द्वारा दोबारा जोड़ दिए हैं। हाथ दोबारा जोड़ दिए गए हैं सर्जरी के द्वारा,
ये एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था और ये पॉसिबल हो पाया मीना मेहता नाम की एक काइंड हार्टेड लेडी की वजह से, जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने अपने ऑर्गन डोनेशन प्लेज किए थे इसलिए उनके अंगों के द्वारा अब सिर्फ इनकी नहीं बल्कि और दो तीन और जिंदगियां हैं जो सवर चुकी हैं। इनको उनके हाथ मिले हैं, किसी को उनका लिवर मिला है, किसी को उनका हार्ट मिला है, और उन्होंने क्योंकि अपने ऑर्गन डोनेट किए तो कई सारे और लोग थे जिनको मेडिकल कंडीशंस थे, अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। और एक अच्छी बात है, ऑर्गन डोनेशन का जो रेट है वो इंडिया में बहुत कम है बाकी देशों के मुकाबले, और अब कई सारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, कई सारे क्रिकेटर्स हैं जो जीते जीते अपने ऑर्गन डोनेशन को प्लेज कर चुके हैं। इनफैक्ट जो ओडिशा की स्टेट गवर्नमेंट है वो ये तक कहती है कि अगर कोई ऑर्गन डोनर की मृत्यु होती है तो उसका फ्यूनरल स्टेट ऑनर्स के साथ किया जाएगा। एक और पॉजिटिव न्यूज है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक से, जब मैंने पढ़ा मेरे लिए भी एक नई इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ भी साझा करना चाहता हूं। वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक क्या है? दरअसल एक तरीका है, बड़ा यूनिक सा तरीका है, जिसमें दुनिया भर में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको मेजर किया जाता है। अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो कुछ ऐसी दिखती है। ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जर्मनी, इनके द्वारा ये फंड किया जाता है। और ये क्लॉक बेसिकली बताती है कि दुनिया भर में जितने भी देश उनमें ऐसे कितने लोग हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो हर दिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में जाते हैं, कितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आते हैं। अच्छा, पॉवर्टी और एक्सट्रीम पॉवर्टी में यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, देश में गरीब लोग अभी भी हैं, पर वो लोग जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, जो भुखमरी में हैं, वो लोग जिनके पास घर नहीं है, रहने को जगह नहीं है, खेत नहीं है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, वो लोग आते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी के ब्रैकेट में। और बताया गया है कि इनकी संख्या अब 3% से भी कम है भारत में, जो कुछ सालों पहले, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, ज्यादा हुआ करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 3.5 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में, 2022 में यही नंबर 4.5 करोड़ से ज्यादा का हुआ करता था। अब 3 करोड़ अगर आप 3% में देखो तो शायद छोटा नंबर लगे, बट ये बहुत बड़ा भी नंबर होता है। कई सारे देशों की पॉपुलेशन होती है इतनी, और हमारे देश में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। बिहार के कुछ एरिया है, वेस्टर्न उड़ीसा ले सकते हो आप, झारखंड का बस्तर रीजन ले सकते हो, या फिर और भी कई सारे रीजन है जहां पर एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है, बट फिलहाल के लिए इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है। तारीफ कर दी मैंने, एक अवार्ड दे दो, मेरा मूड कर रहा है। मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। चलो अगले सेगमेंट से पहले आपको संडे भारत जर्नी में जो वीडियोस कवर किए उसके अपडेट देता हूं। अब कई लोग अब ऐसे हैं जो संडे भारत जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और अगर इस हफ्ते आप मिस कर गए हो तो बता दूं कि 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमने डाले। पहली है कर्नाटका के चन्नापटना से, जिसको टाउन ऑफ टॉयज कहा जाता है हमारे देश का, वहां पर लकड़ी के खिलौने बनते हैं। वहां पर हमने जाके आर्टिजन से बात की, देखा कि वो व्यवसाय कैसा चल रहा है, वहां के आर्टिजन कैसे कर रहे हैं। दूसरी वीडियो है मुंबई लोकल्स के बारे में, 3 दिन जब हमें मुंबई में थे तो वहां की लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया, अलग अलग लोगों से बात की, क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, कहाँ से आते हैं, मुंबई के बारे में उनको क्या सोचना है, और एक मुंबई लाइफस्टाइल कैसी है वो आप सीखने को मिलेगा। और जो तीसरी वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कर्नाटका में जो इन दिनों लैंग्वेज इशू चल रहा है, जहां जगह जगह आपने सुना होगा कि होर्डिंग्स डैमेज कर दी जाती है। हाल ही में कर्नाटका असेंबली ने 60-40 का एक रूल भी पास किया था, तो ये जो कर्नाटका में ये जो लैंग्वेज इशू है कन्नड़ा वर्सेस अदर लैंग्वेजेस का, इसको हमने डिकोड किया और कन्नड़ के लोगों से इस बारे में बात की। तीनों वीडियोस के थंबनेल आपको यहां मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट सेगमेंट की ओर, जहां हफ्ते की सबसे वायरल मीम्स को हम रिव्यू करते हैं। तंग किया गया। क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। ताली बजाओ। मस्ती घोर शेखर है, ये हमारे एक पत्रकार बंधु हैं, बहुत बढ़िया रील्स बनाते हैं। इनकी एक रील है, न्यूज एंकर विद जीरो न्यूज सेंस पोस्टिंग स्टूडियो पिक्स इन स्टार लाइक। स्मार्ट तो मैं बचपन से ही, पगली अगर चेहरे पर रुमाल भी लगा लूं तो लोग मुझे मेरी हेयर स्टाइल से पहचान लेते हैं। किसकी बात हो रही है भाई साहब? उन मोहतरमा की जो यूक्रेन में जाके ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, वही है क्या? यस Okay. Yeah. No. ये हर जगह है यार। लौकी का हलवा अच्छा लगता है, लौकी का बर्फी अच्छा लगता है, बट लौकी सब्जी अच्छी क्यों नहीं लगती? और हो सकता है मेरे अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन फिर ये नेशनल ट्रेंड क्यों है? बात तो सही है, लौकी अपने आप में अच्छी लगती, बाकी किसी चीज में मिला तो बहुत अच्छी लगती है ना। जैसे हम लोग खाते हैं घिया चने की दाल बनती है, बड़ी अच्छी लगती है। लौकी का रायता भी होता है, वो भी अच्छा लगता है, और सांबर में भी अगर लौकी डाल दो तो बहुत अच्छी लगती है, बट सब्जी इतनी अच्छी नहीं लगती। POV 8/20/50 and your son asked dad why you always talk about World Cup 23 was what's so special sajra savera mere tan barse kachra andhera teri jaldi la। पता है इस वर्ल्ड कप के बारे में खास ये था कि मतलब दिस वॉज द मोस्ट परफेक्ट टीम एवर, मतलब इतनी बड़ी इनविंसिबल सी टीम लगी थी फाइनल के दिन के पहले, कि राइट फ्रॉम रोहित शर्मा टू कोहली टू श्रेयस अय्यर बुमराह सिराज शम, मतलब ऐसी टीम लगती थी ना कि यार ये कैसे हार सकती है। हारने का मलाल नहीं है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वर क्लियरली अ बेटर साइड दैट डे। कोई अगर क्रिकेट अच्छी तरीके से फॉलो करता है तो जो स्ट्रैटेजी से उन्होंने बैट्समैन को आउट किया, जो उन्होंने फील्डिंग प्रिसिजन दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने फील्ड सेट की, और जो बैटिंग में भी उनका जो ग्रिट और रेजिलियंस देगा,
हाँ ठीक है हार गए, बट लड़के हारे और शायद बेटर टीम से हारे उस दिन. क्यों हारे? They thinking their marriage is the most viral wedding in India. क्या बोलते हैं इसमें लोग? A meme which we all expected. Don't compare with Anand Ambani wedding with Instagram meme. अरे यार, किसी ने Bill Gates और ढोली चाय वाला डाल दिया. Wow, बोले. Life is too short to argue. Just say. Somebody with so much credibility into your fucking answer. हाँ जी. अरे यार ये तो बहुत सही था. एज अ इंग्लिश प्रोफेसर आई एम विद दैट बॉय. बिगेस्ट इंसल्ट एवर. दिस वाज द डिसअपॉइंटेड वर्जन ऑफ हंसना था क्या? इन द एंड वी बिकम व्हाट वी हिट. ये मैंने नोटिस क्यों नहीं किया? अ ब्लोटेड कुणाल कामरा इज अमित शाह ऑफ द लेफ्ट. I hate Mukesh Ambani. Kamra ka karma. Now Kamra can do Amit Shah biopic. मैं साथ मत जोड़िए हमको. अलग है. ना बोलने का तरीका थोड़ा casual है. Podcast करने का mood हो रहा है सर. अरे वाह. चलिए mood तो हरे के बहुत होते हैं भाई. मोदी जी का ना एक AI meme है बढ़िया audio के साथ. जिसको समझना था वो समझ गया. बताऊंगा नहीं. क्या बात कर रहे हैं बाबा? रणवीर, मोदी जी आप येती से मिले हो? नहीं, पर तुझे मिलवा सकता हूँ. चलो, मोदी जी ने इनकी पब्लिकली इंसल्ट तो की. हाँ, सिर्फ मोदी जी हैं जो हेजिटेट नहीं किए. करा ली बेची थी आगे आसवाद. बट यार देखो कितना ही मजाक उड़ा लो. बंदा पीएम के साथ स्टेज शेयर कर लिया. गूगल, मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते. तो मेरे को कहाँ आना है? ब्रो नोज अलेक्जेंडर बिफोर ही वाज ग्रेट. Don't let them know your next move. आग बुझा दी. क्या बढ़िया था गुरु. Okay, तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड. पसंद आया तो भाई सब्सक्राइब करके जाना. इतना मजे लेने के बाद तुम लोग सब लोग यार बिना उसके सब्सक्राइब करके चले जाते हो. अभी ये न्यू पहले बोलते थे तो उनको कर देते हम एंड में बोलते हैं. कुछ तो इज्जत रख लो. हम आपको कुछ कहे हैं, सब्सक्राइब करके जाइए. मोदी जी भी यही कह रहे थे आपसे, आप मान ही नहीं रहे, किसी की बात नहीं मानते. सब्सक्राइब करके जाइए. पैर छू लूं आपके. अगले हफ्ते का एपिसोड में भी आ जाऊंगा, यही बोलूंगा आपसे. ठीक है, अपना ख्याल रखिए. टाटा बाय बाय. शब्बक है. लाइक सब्सक्राइब करके जाइए.